जय हिंद सभी को। मेरा नाम है साहिल और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं एक खबर आपको बताने वाला हूँ जो जुड़ी है साइबर क्राइम से रिलेटेड। मेरा ये चैनल आपको साइबर क्राइम से बचाने की कोशिश करता है, नेटवर्क मार्केटिंग के स्कैम से बचाने की कोशिश करता है, या कोई भी एक इंसान कहीं वो पीड़ित है यानी वो किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है तो वो आता है मेरे साथ लाइव एक्सपीरियंस शेयर करने कि उसको सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट किया जा सके। हर इंसान एक दूसरे से सीखता है, मैं भी आप लोगों से सीखता हूं, आपको भी मुझसे कुछ ना कुछ सीखना है। मैं आपको नॉलेज ट्रांसफर करता हूं जो मैंने लाइफ में एक्सपीरियंस लिए, किसी और से बात करके एक्सपीरियंस लिए, उनकी कोई प्रॉब्लम को सुना तो मैं उनको सॉल्यूशंस में कन्वर्ट करने में बिलीव करता हूं। उसी तरीके से इस खबर में आपको समझना पड़ेगा पैटर्न्स यूज करते हैं साइबर क्रिमिनल्स जो आपको लूटना चाहते हैं डिजिटली, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके निकालते हैं। मैंने प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना रखी है जो साइबर स्कैम से रिलेटेड है साइबर फ्रॉड के नाम पे। यहां पे आपको जाके समझना है पैटर्न्स क्या है। मैंने ढेर सारी लाइव एक्सपीरियंस वीडियोस करी जिसमें एमएलएम स्कैम्स को दर्शाने की कोशिश करी। जब तक आप ये सब नॉलेज नहीं लेंगे ना, अपने आप को ओवर स्मार्ट समझेंगे, आप कहीं ना कहीं फ्रॉड में फंसेंगे। आपके साथ 100% फाइनेंशियल फ्रॉड होगा अगर आप इस नॉलेज को नहीं लेंगे, अगर आप इस चीज पैटर्न को नहीं समझेंगे तो पूरी गारंटी है मेरी, लाइफ में गारंटी नहीं दी जाती बट मेरी पूरी गारंटी है आप फंसोगे ही फंसोगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारे लोगों तक शेयर करें। एटलीस्ट एक जना भी 10-50 लोगों को शेयर कर देगा, 100 लोगों को शेयर कर देगा, हो सकता है उनकी जिंदगी वो बचा ले। क्योंकि आज की साइबर क्रिमिनल की वीडियो में, साइबर स्कैम की वीडियो में एक नया पैटर्न बाहर आया है। डिजिटल अरेस्ट के बारे में मैंने बताया, इंस्टाग्राम फेसबुक पे होते हुए स्कैम्स के बारे में मैंने बताया, शादी के झांसे दे के स्कैम्स होते हैं, जीवनसाथी.com ये जो ऐप्स हैं शादी.com इन सब पे भी, लिंक्डइन पे जॉब के बहाने हो रहा है, कुरियर स्कैम्स हो रहे हैं, कई सारे स्कैम्स को मैंने आप लोगों को तक लाने की कोशिश की और आपने प्यार सपोर्ट भी दिया, चैनल को ग्रो भी करवा रहे हैं। आज 41,000 के आसपास सब्सक्राइबर क्रॉस कर चुके हैं बट पैटर्न फिर भी ज्यादातर लोगों तक नहीं पहुंच रहा है और लोग फंसे जा रहे हैं। दिन भर बैठ के मैं न्यूज जब पढ़ता हूं ना, मुझे ही मिलता है किसी का 2 लाख चला गया, किसी का 2 करोड़ तक चला गया। भगवान जाने पहले ये पैसा आ कहां से रहा है, 2-2 करोड़ लोगों के पास कहां से पड़ा है, वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे या क्या इश्यूज हैं वो तो वही जानते हैं, कहां कहां से उठा के किसी ना किसी से अरेंज करके वो पैसे ला रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो तो मुझे नहीं पता, बट उनके लाखों करोड़ों रुपए जो जा रहे हैं उसमें एक दुख जरूर दिखता है। उनका वो पैसा कैसे हुआ उस पर हमें नहीं जाना, वो उनकी अपनी लाइफ है, किस तरीके से वो कमा रहे हैं वो उनकी विषय, कैसे कर रहे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं मुझे नहीं पता, बट वो पैसा कहीं ना कहीं चोर जो डिजिटली लेके जा रहे हैं पैटर्न्स को क्रिएट करके, वो हमारे लिए दुखदाई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जो दिल्ली हाईकोर्ट के नाम पर एक स्कैम हुआ है, यानी जो हमारा कोर्ट सिस्टम है अब उसके नाम पे भी स्कैम होना शुरू हो गया। हर दिन क्रिमिनल्स नए नए आइडियाज को निकालते हैं, इतने आइडियाज हमारे पास नहीं होते जितने क्रिमिनल्स के पास आइडियाज हैं, वो कोई ना कोई एक डर को दिखा के आपको यूज करके आपके पैसे निकाल के जाते हैं। एक बात तो मानने वाली है, सारे धंधे डर के धंधे, जितने भी चीजें आज चल रही है ना, एक दूसरे को डरा डरा के पैसा निकाला जा रहा है। दूसरे को डराओ पैसा निकालो, डराओ पैसा निकालो, सेम इसमें हुआ। चलिए समझते हैं पूरा मामला क्या है। बेंगलुरु कर्नाटक में एक पर्सन को कॉल आता है और उसे कहा जाता है कि मैं दिल्ली हाई कोर्ट के स्टाफ से बात कर रहा हूं, मैं उनके स्टाफ में हूं और आपके ऊपर एक केस होने जा रहा है। वो पूछता है कौन सा केस है, कहता है कि आपके नाम पे एक अकाउंट ओपन हुआ है जिसमें 25 लाख रुपए की ट्रांजेक्शन हुई है, आपका अकाउंट वेरिफिकेशन होगा और आपके ऊपर केस दर्ज होगा। वो इंसान डिनाई करता है, मना करता है, मैंने तो ऐसे कोई भी अकाउंट नहीं खुलवाया, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं या गलत आपके ऊपर कुछ आपके पास रिकॉर्ड्स हैं समथिंग, जो भी कुछ उनकी बातचीत हुई। बट उसके डिनाई करने के बाद भी उस पर मेंटली प्रेशर बनाया जाता है कि आपका बहुत जल्दी अरेस्ट होगा। जैसे मैंने शुरू से कहा, डर का धंधा है। साइबर क्रिमिनल्स जो होते हैं ना, आपको जज करते हैं, आपकी बातों में कितनी पावर है उसको जज करते हैं। अगर एक आम इंसान का
कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हो, पुलिस बैकग्राउंड में कोई सपोर्ट हो, या कोई भी हायर ऑफिशियल से सपोर्ट हो, तो वो इंसान इतनी जल्दी डरेगा नहीं। बट जो एक आम सिंपल लाइफ जीने वाला इंसान होता है ना, उसको हमेशा डर लगता है। अगर ऐसे किसी इंसान को कोई ऐसा कॉल आता है ना जिसके ऊपर FIR की बात की जाए, कोर्ट केस की बात की जाए, वो 100% डरेगा। अगर ऐसे में से कोई कहता है ना मैं नहीं डर रहा, तो वो झूठ बोल रहा है। बट ऐसी कोई कॉल अगर आपके पास आती है ना, और अगर आपने हल्का सा भी डर दिखा दिया, तो यानी आप ट्रैप में आ गए। अब उस इंसान से बोला जाता है कि तुम्हारा जो ऊपर अरेस्ट होने वाला है, जो केस रजिस्टर्ड होने वाला है, उसको हटाया जा सकता है, कुछ सर्टेन अमाउंट लगेगा, पैसे लगेंगे। वो डर के वहां से कॉल काट देता है। फिर उसके पास दोबारा कॉल आता है और वो उससे कहता है ठीक है, मेरे ऊपर से आप केस हटाओ, मेरे ऊपर से FIR रजिस्टर्ड जो हो रही है उसको हटाओ, मैं पैसे देने को तैयार हूं। उससे तीन बार में पेमेंट ली जाती है, सबसे पहले 48,000 के आसपास, फिर 99,900 यानी ऑलमोस्ट 1,00,000 के आसपास, थर्ड पेमेंट 70,000 के आसपास होती है। ये सारी पेमेंट्स ट्रांसफर होने के बाद जब वो पूछता है कि मेरा केस ऊपर हटा दो, रजिस्टर्ड ये जो कर रहे हो आप ये सब हटा दो, इलीगल जो ट्रांजेक्शन आप बोल रहे हो 25,00,000 की अलग अकाउंट में, ये सब खत्म करो, अचानक से वो और पैसे की डिमांड करने लगते हैं। वो कहता है मेरे पास और नहीं है। कहीं ना कहीं उसको समझ में आता है कि मेरे साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है, यानी जो मुझे कॉल आई है वो फेक कॉल है। 2.2 लाख के आसपास ट्रांसफर करने के बाद उसको ये रियलाइज होता है, और जब उससे वो आगे धमकी देना शुरू करता है कि तुम फ्रॉड हो, क्रिमिनल्स हो, मेरे पैसे वापस करो, वगैरह वगैरह वगैरह, वो फोन कट करते हैं और स्विच ऑफ, फोन खत्म, गायब। उसको रियलाइज होता है तो वो साइबर क्राइम में रिपोर्ट करने जाता है, अपनी FIR को रजिस्टर कराने जाता है। अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ये सब कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। बट जब तक वो ये सब ट्रांजेक्शन्स वो सब करता है, टाइम लेट हो चुका होता है, कहीं ना कहीं 48 आवर्स क्रॉस कर चुके होते हैं। तो आज की इस वीडियो का पैटर्न मैं ये समझाना चाहता हूँ, कहीं से भी आपके पास कॉल आए कि मैं टेलीकॉम अथॉरिटी से बात कर रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम से बात कर रहा हूँ, मैं कोर्ट से बात कर रहा हूँ, मैं कहीं से बात कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब से बात कर रहा हूँ, कुछ भी, सबसे पहले जज करो वो सामने वाला इंसान एक्चुअल है कि नहीं, आप उसके रूट को सही समझ रहे हो कि नहीं। ऐसे ही पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर देंगे। बहुत सारे लोग ऐसे ही आपकी डर का फ़ायदा उठा के आपसे पैसे निकालते हैं, डर का ही धंधा फैलाया हुआ है। ट्रस्ट आप सब पे एकदम से नहीं कर सकते। आज के टाइम में जैसे आप मेरी नेटवर्क मार्केटिंग MLM स्कैम्स के ऊपर वीडियो देखते होंगे, तो उसमें साफ साफ मैं उसमें दिखता है कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को बेवकूफ़ बना रहा है, एक फैमिली वाला दूसरे फैमिली वाले को बेवकूफ़ बना रहा है, यानी ट्रस्ट इश्यूज आते जा रहे हैं। तो कैसे कोई एकदम ट्रस्ट करे? लोग यहाँ पे ऐसा भी होता है कि लोग मेरे को भी यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर पाते। 41,000 सब्सक्राइबर क्रॉस होने वाले हैं, स्टिल लोग मुझसे पूछते हैं आप एक्चुअली वही साहिल हो ना जो YouTube पे हो, कंफर्म करते हैं उनकी उनके वो राइट्स हैं, वो सही कंफर्म करते हैं। उनको मुझसे पूछना उनका हक बनता है, क्योंकि उनके साथ भी तो फ्रॉड हो सकता है मेरे नाम पे। तो इसलिए इस वीडियो में के माध्यम से समझाना चाहता हूँ, प्लीज़ पैटर्न्स को समझिए और ये वीडियोस को शेयर करके दूसरे लोगों को भी समझाने की कोशिश कीजिए। साइबर क्रिमिनल्स बहुत एक्टिव हो रखे हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स को निकाल के आते हैं और आप लोगों के पैसे ठगने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत मुश्किल से पैसा कमाया जाता है, प्लीज़ उसको बचाने की कोशिश कीजिए, दूसरों को भी सेव करने की कोशिश कीजिए। और अगर लीगल कोई मैटर्स में आपको आगे क्लेरिफिकेशन चाहिए, आपके ऊपर कोर्ट केस हुआ, FIR हुई, या आप किसी पे लीगल नोटिस का रिप्लाई करना चाहते हैं, आपके रिफंड्स अटके हैं, पैसा अटका है, जैसे आज ही मेरे पास एक केस आया, Amazon पे उनका कुछ मैटर अटका है, रिफंड का इशू आया है, तो उसको कंज्यूमर कोर्ट में कैसे डालना है, ऐसे ढेर सारी चीज़ें legalcasesindia@gmail.com में जाके आप एडवोकेट से सलाह ले सकते हैं और अपनी लीगल कार्रवाइयाँ आगे कर सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ के लिए मैं धीरे धीरे लीगल टीम ओपन कर रहा हूँ, बहुत जल्दी हर एक सिटी में मेरी कोशिश है लीगल टीम को ओपन करने की। आई विश यू ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर, जय हिंद।